हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहन एंड वेलकम टू डिजिटेक एडुकेशन। बात कर रहे थे फाइबर बोर्ड की। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी वुड प्रोडक्ट्स की। वुड प्रोडक्ट्स ठीक है क्या होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डील कर चुके थे। फिर हमने वुड प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले बात करी थी ठीक है विनीर प्रोडक्ट्स की, फिर हमने बात करी थी प्लाईवुड की। ठीक, ये सारे मेरे क्या थे, वुड प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो है हमारे, क्या बोला मैं, जो प्लाईवुड ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वुड प्रोडक्ट के अंदर वो है मेरी फाइबर बोर्ड की। ठीक, क्या बोला मैं, फाइबर बोर्ड, इसके बारे में डिस्कशन में करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि फाइबर बोर्ड का एक और नाम है जिसको हम प्रेस्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिसको हम प्रेस्ड बोल सकते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्टेड बोल सकते हैं। प्रेस्ड मतलब कि जो नॉर्मल जो वुड रहेगा उसको बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। जैसे कि ये कोई मेरे पास वुड था, इसको हमने क्या किया, इस पर लोड अप्लाई करवाया। ठीक है, लोड सपोज मान लिया पी लोड अप्लाई करवाया और नीचे से इस पर हमने बेस प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, और ये यहाँ से जो रिजल्टेंट हमको देखने को मिलेगा इसको हम बोल सकते हैं क्या, फाइबर बोर्ड, या फिर इसको हम प्रेस्ड बोल सकते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्टेड वुड कह सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है जो कि आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बोर्ड होते हैं ये हमारे रिजिड होंगे। कैसे देखने को मिलेंगे आपको, रिजिड आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आपको इसके शॉप्स रखे हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख पा रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर इसका नज़र आता है। और आपने आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसको ज़रूर देखा होगा। ठीक है दोस्तों, बात करूंगा इसकी थिकनेस की। तो थिकनेस 3 mm से 12 mm तक हमको मार्केट में अवेलेबल होती है। मतलब इसकी जो मोटाई है, अगर इस फिगर के अंदर मैं बताऊं तो ये मेरी 3 mm टू 12 mm हमको देखने को मिलती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक नुकसान ये है इसका कि ये क्या होते, वीक होते, लोड को सहन नहीं कर पाते। ठीक है, क्या बोला मैं, ये नॉट एबल टू टेक लोड। अब आप बोलेंगे कि जब ये बहुत ज़्यादा ही प्रेस्ड है या फिर रिकंस्ट्रक्टेड है, प्रेस्ड मतलब बहुत, जब हमने इसके ऊपर क्या लोड लगाया था तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के पास पास में आ गए होंगे। हाँ, मैंने कि आ गए, तो फिर ये वीक क्यों है, लोड को क्यों सहन नहीं कर पा रहे। तो दोस्त, क्या होगा जब यहाँ पर इसके ऊपर लोड लगाया गया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स थे इसके बीच में, जो पहले से जो बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, वो बॉन्ड्स क्या हो गए, वो बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हो गए होंगे। वो बॉन्ड्स तो हमारे ब्रेक हो गए होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला होगा इसके पार्टिकल्स के बीच में। क्या होगा, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, फिर न्यू बॉन्ड्स जो बने होंगे वो बॉन्ड्स हमारे क्या होंगे, कमज़ोर होंगे एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बॉन्ड्स है, इसलिए ये हमारा लोड लेने में सक्षम नहीं होता दोस्त। ठीक है, मेरे ख्याल से फाइबर बोर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। कहाँ पर यूज़ किया जा सकता, इसका यूज़ हम लोग कर सकते इंटीरियर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, डोर्स के लिए। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन जो कि फॉल्स सीलिंग वगैरह होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। डोर्स आप इससे बना सकते हो, पार्टीशन वॉल्स आप इससे बनवा सकते हो, पैनल वॉल या पैनल वर्क जो होता है, पैनल का पैनल वॉल हो गया या और कोई सा वर्क जो होगा इससे हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है दोस्त, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।